गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई अभी क्या हुआ, आज सुबह से मैं कामों में व्यस्त था, कुछ काम करवा रहा था भाई घर वर के, क्योंकि अब नौदुर्ग वगैरह आ रहे हैं तो एक तो मंदिर की बल्ब फूक गया, मतलब एक तो जल गया और आग लग गई बेचारे बल्ब में, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा देर से जल रहा था, रात पूरी रात भर जला रह गया। और फिर उसमें पता नहीं जैसे सुबह हमने पानी की छींट लगाया गर्म गर्म बल्ब पर, गलती से पानी का छींट गया और वो बल्ब फटाक बोलकर बंद हो गया, उसमें आग वाग लग गई। इसलिए आज बेचारे भगवान जी हमारे अंधेरे में बैठे हुए हैं, बल्ब बल्ब कुछ भी नहीं है। देखो पर एक सेकेंड, ये देखो भाई बल्ब क्या हुआ, ये फट गया बिल्कुल अच्छे से, आग वाग लग गई, ब्राउन ब्लैक ब्लैक हो भी रहा होगा ये। तो अब पापा जी लाएंगे इसके लिए आज शाम को बढ़िया, वैसे ये तो बल्ब थे LED लाएंगे एकदम गोल वाली, ऊपर ही ऊपर मंदिर की वुड में फिक्स हो जाएगी। तो हाँ भाई 11 बज गया और अब ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आज सुबह से बैठा हुआ था और भाई रेड अलर्ट के चक्कर में छुट्टियाँ तो थी स्कूल की 2-3 दिन की, तो भाई सुबह से बारिश भी हो रही है आज। रॉकी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, बारिश हो रही है भाई मस्त एकदम बिना रोक टोक के, बारिश इतनी गजब चल रही है सुबह से, ये देखो सब गीला गीला हो रहा है, कीचड़ कीचड़। और अभी मम्मी जी ने बना दी, पहले तो यार इसे पंखे को बंद करो आवाज़ आती है, मम्मी जी ने बना दी हमारे लिए भेलपूरी, तो अब भेलपूरी खाएंगे। और कुछ बनाया आज खाने में, क्या बनाया खाने में? बने पालक आलू की भुजिया, मूंग की दाल। छी छी मूंग की दाल नहीं, मूंग की वो वाली होती है छोटी वाली दाल, महीन वाली, मुझे पता था तू खाएगा नहीं, जब तो मैंने बनाई। अच्छा चलो बढ़िया, अब भेलपूरी खाएंगे भाई, बस बन गई है वैसे तो। चलो भाई अभी हम लेकर आ गए हैं अपनी भेलपुरी और TV चला रहे हैं, तो मस्त भेलपुरी खाएंगे और चलो भेलपुरी खाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी गाइस फिलहाल खाना वाना खाकर तो मैं सो गया था और बाकी अब मैं तैयार हो चुका हूँ, रेडी हो गया हूँ, देख ही सकते हो कोचिंग जाने के लिए रेडी हो गया हूँ। और अभी 5:45 भी हो चुके हैं, तो अभी फिलहाल चलो बिना किसी देरी के जाते हैं कोचिंग। और हाँ भाई मम्मी जी अभी एक जगह पर गई हैं कुछ सामान लेने और वो मैं आपको कोचिंग से आकर बताऊँगा, क्योंकि अभी बहुत जल्दी में हूँ, तो अभी फटाफट जाते हैं कोचिंग बैग वैग लगाकर। तो चलो कोचिंग से आकर डायरेक्ट आपसे मिलते हैं। 2000 years later तो अभी गाइस फिलहाल कोचिंग से तो आ गए हैं और बाकी अभी बज रहे हैं भाई 8:05 हो रहे हैं शाम के, और बारिश जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल बंद नहीं है भाई, बिल्कुल भी बंद नहीं है, बारिश सुबह से ही चल रही है बूंद 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 और अभी भी चल रही है भाई। यहाँ पर सब लोगों का चल रहा है खाना, आज खाने में क्या बना है, ये है शेजवान चटनी, सॉस और आलू के पराठे। और मम्मा आप कुछ लेने गई थी आज है ना? पापा जी से सरप्राइज़ है, पापा जी देख लिया तो व्लॉग में आके रख देना, नहीं पाप अगर जैसे व्लॉग में दिखाऊंगा पापा जी ने देख लिया तो व्लॉग कल आएगा आ जाओ। अरे हाँ व्लॉग तो कल ही आएगा ना, हाँ तो चलो ये बात सही है। तो गाइस पापा जी के लिए सरप्राइज़ ये है कि कल है पापा जी का बर्थडे, तो मस्त पापा जी के लिए मम्मी जी लाई हैं कपड़े, है ना मम्मी जी? तो मैं दिखा दूँ अभी व्लॉग में, वैसे भी कल आएगा व्लॉग, तब तक से पापा जी का बर्थडे आ ही गया होगा। बाकी भाई फर्स्टली ये देखो कि बारिश क्या मस्त तरीके से हो रही है, बंद नहीं है भाई बिल्कुल भी, बूंद 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 पड़ती रह रही है, देखो पतली पतली बूंदें आ रही हैं, पता नहीं दिख भी रही नहीं दिख रही भाई, बट काफ़ी बूंदें आ रही हैं, देखो पूरा पानी पानी हो रहा सब। तो चलो हम तो चलते हैं अंदर भाई, कुछ भी कहो बारिश के मौसम में मम्मी जी ने आलू के पराठे बना दिए ना, तो लिटरली मज़ा ही आ गया। अब आलू के पराठे खाएंगे थोड़ी सी देर में, चलो पहले आपको दिखाते हैं कि कपड़े क्या क्या लाएंगे मम्मी जी, चलो चलते हैं अंदर। तो वैसे पापा जी से सीक्रेट है, बहुत ज़्यादा दुखा कर रखना पड़ेगा, कल परफ्यूम लाऊंगा मैं अपनी तरफ से पापा जी के लिए, वैसे तो पापा जी को गाइस कितना भी इतने कमी है उनके प्यार के सामने। और बाकी गाइस ये देखो मम्मी जी ये लाई हैं पैंट, एक हाथ से भाई कैसे ही निकालूँ मैं, तय कर रखूँगा अच्छे से। गाइस ये देखो ये पैंट लाई हैं मम्मी, ट्राउज़र टाइप है सॉफ्ट क्लॉथ का, काफ़ी सही लग रहा है जो कि एकदम मस्त। और शर्ट आई है पापा जी के लिए, आई थिंक पिंक या ऑरेंज कलर की लग रही है, पिंक सी लग रही है भाई यहाँ से तो, हाँ भाई पिंक कलर की शर्ट है वो भाई, काफ़ी महंगी लग रही है, पता नहीं अब कितने की, मुझे तो भाई पता ही नहीं है, मैं तो गया ही नहीं था, तो भाई सही लग रही है यार शर्ट भी, इतनी बुरी नहीं लग रही। चलो भाई बाकी कल पापा जी पहनेंगे तो वही आपको पता चल जाएगा, बट कुछ भी कहो भाई कुछ छोटा सा सरप्राइज़ देने का प्लान करा हम लोगों ने, अब ये भी अगर पापा जी के सामने आ गया तो दिक्कत होगी ना। चलो इसे ऐसे कैसे ही अलमारी में रख देता हूँ अपनी थैले में रखकर, चलो भाई अब रख देते हैं इसे अलमारी में। तो भाई बुक्स वाले घर में रखें, पापा जी को ऐसे तो दिखेंगे भी नहीं कुछ भी, तो अब अलमारी बंद करते हैं, अब चलो चलते हैं खाना खाने। तो भाई ये एक पाउच मेरे लिए रखा है शायद शेजवान चटनी का, प्लेट लेते हैं, ओ मैं तो बटर से खाऊंगा भाई, बटर भी तो है अपने यहाँ, ये रहा बटर। चलो भाई प्लेट अपनी लग गई है और पता नहीं कैसे कैमरा ब्लर हो गया, बाद में साफ करूँगा। तो बटर पराठा और ये चटनी और सॉस, चलो खाते हैं। तो अभी गाइस खाना तो खा लिया है और बाकी मस्त यहाँ पर लवी की मस्तियाँ चालू हो गई हैं, क्योंकि अब रात के बज चुके हैं 9:30, 10:30, तो भाई काफ़ी लेट हो गए खाना खाते, और बाकी लवी की तो मस्तियाँ चालू हो गई हैं। और हाँ गाइस पापा जी आ गए हैं,
जस्ट इसी बगल में लेते हुए मेरे, और पापा जी को उस सरप्राइज की कुछ नहीं पता। मैंने पापा जी को दे दिए बर्ड्स, अब मुझे नहीं पता कि कुछ चल भी रहा है बर्ड्स में, कहीं ऐसा ना हो पापा जी वॉल्यूम लो कर मेरी बातें सुन रहे हो सारी। ये देखो और लवी, मैंने मम्मी जी हमने यूनिकॉर्न वाला केक बना दिया, फूल बना रही हूँ। ये देखो मम्मा पागलपन चलता रहता है इसका, यूनिकॉर्न वाला केक। देखो यूनिकॉर्न वाला केक कहाँ है, जे केक कटवा देंगे कल पापा जी को। अरे पापा जी सुनना रहे हो। ये देखो भाई इसके पागलपन चलते रहते हैं। ऐसा केक अगर हर कोई बनाने लग गया ना तो केक खाना ही बंद कर देंगे लोग बाग, है ना? क्यों मम्मा? लोग केक खाना ही बंद कर देंगे ऐसा केक देख के। तो अभी आज देखेंगे, हो सकता है तो कल केक भी काट देंगे। वैसे तो पापा जी को पसंद नहीं है, बट देख लेंगे अगर हुआ तो काट देंगे। तो केक लवी 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 एक काम करो, आप केक बना दो एक, उसी को हम ना कटवा देंगे कल। कल बताओ क्या है? कल पापा जी का बर्थडे। क्या? पापा जी का बर्थडे। कितनी तेज बोल रही, पापा जी का बर्थडे। केक बनाओ चलो। अरे रुको जा, फ्लावर तो बना दो। ओ गड़ा गड़ा के चला रही है गाइस ये। ब्लू पेन से बना, ब्लू पेन से अच्छे बनेगा। क्यों ब्लू से क्यों नहीं? नहीं भाई ये पागलपन चलता है। अब नहीं हटो। अरे मैं क्यों ना कर लेता भाई। ये देखो 10:30 बज गए भाई, 10:18 हो रहे हैं। लग रही है क्या कर रही है? तेज तेज गड़ा रही होगी। हाँ, ये देखो गाइस कितनी तेज गड़ा गड़ा के चला रही है, स्किन भी नीचे नीचे हो रही है। ये पागल 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 है मम्मा। लग रही होगी जलन मच रही होगी। हैं कितनी मच रही? बहुत अच्छा बनाया बाबू ने। तो गाइस अभी पापा जी ने मुझे डांट दिया कि मतलब पापा जी कह रहे कि 10:30-11 बज रहे हैं अभी, तो तू यहाँ मस्ती कर रहा है, फिर 12-1 बजे तक एडिटिंग करेगा। फिर पापा जी कह रहे हैं आई साइड पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, बस वैसे भी मेरी डार्क सर्कल्स काफ़ी हो गए। तो पापा जी सही कह रहे हैं भाई। तो मैंने अभी पापा जी के पास से एग्री होकर मैं बाहर आया, मैंने कहा ब्लॉग एंड कर देते फटाफट एडिटिंग कर फिर सोएंगे भाई, क्योंकि भाई दिन में कर दो तो कोई बात नहीं, दिन में तो कितनी भी देर कर लो, बट रात में करोगे तो कोई दिक्कत होती है ना भाई आई साइड के लिए। तो हाँ फिलहाल चलो अभी इस ब्लॉग को कर दें एंड। आई होप आप सब लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।